नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ना जाने कितने ही जन्म हम लोगों ने पूर्व में लिए होंगे और अक्सर देखा गया कि वर्तमान में जो हमारी लाइफ में समस्याएं चल रही होती हैं, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं प्रॉब्लम्स हैं, उनका कहीं ना कहीं संबंध पिछले जन्मों से भी ज़रूर होता है। और जिन लोगों के भी हम संपर्क में आते हैं, जिस तरीके के कुल में हम जन्म लेते हैं, जिस तरीके का शरीर हम धारण करते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों से वो रिलेटेड ज़रूर होता है, उसका संबंध ज़रूर होता है पिछले जन्म से। और हम ये जो पिछले जन्म है हमारे, इनको रिकॉल नहीं कर पाते, क्योंकि हम बेसिकली हमारे साथ क्या हुआ कि नई मेमोरीज जो हैं हमारी, जो नई यादें इस जन्म की, वो उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे लेयर बाय लेयर चढ़ जाती है एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर, उस तरीके से ये लेयर्स बन गई हैं काफ़ी सारी। तो जो पुरानी मेमोरीज़ वो रिकॉल अगर हम करना चाहते हैं, जो कि अवचेतन मन में पूरी वो रिकॉर्डेड हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तो कैसे हम उस चीज़ को असेस करें, कैसे हम उन मेमोरीज़ को जानें, कैसे उन जन्मों में देखने की कोशिश करें, झांकने की कोशिश करें, तो क्या वो प्रोसेस है, क्या वो हम पद्धति अपना सकते हैं, क्या वो एक कला है एक तरीके की, एक तरीके का बेसिकली लॉजिकल मैं कहूँगा एक शफा बोल सकते हैं इसको, या आप इसको बेसिकली मेडिटेशन का प्रोसेस बोल सकते हैं। उस मेडिटेशन प्रोसेस को हम जैसे फॉलो करते हैं तो वो हम सारी मेमोरीज अपने पुराने जन्म की रिकॉल कर सकते हैं। तो कैसे वो करें, उसी पे आज मैंने ये वीडियो बनाया, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो मान के रखिए कि सारे जन्मों का रिकॉर्ड हमारा पिछले जन्म का हमारे बॉडी के एक एक सेल में है और डीपली कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड हमारे अवचेतन मन से है, सबकॉन्शियस माइंड से। और जो योगी अवचेतन मन के ऊपर अच्छे से पकड़ बना लेते हैं, उस पर कमांड कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, तो वो पिछले जन्मों की भी पूरी मेमोरीज़ को रिकॉल कर लेते हैं, सारे जन्म वो पिछले देख लेते हैं और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें उन्हें ये समझ आ जाती हैं जो वर्तमान में जो हमारे जीवन में चल रही हैं, तो उसका क्या क्या कारण पिछले जन्मों से है। और यदि एक ऑर्डिनरी इंसान को भी अपने जन्मों के बारे में जानना है, तो थोड़ी सी अगर वो अपनी योग विद्या में मेहनत करें, अपने ऊपर मेहनत करें, तो वो भी रिकॉल कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग इस प्रोसेस की बेसिकली होती है सिंपल, आपकी जो बेसिक प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, पहले तो आपको उनके ऊपर कमांड लेके आना होता है। आप स्टार्ट अनुलोम विलोम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मैंने देखा ये प्रचलित बेसिकली वर्ड है, लोग इससे भली भांति वाकिफ भी हैं। तो अनुलोम विलोम करने में किसी को भी, एक लेमैन को भी, एक सिंपल ऑर्डिनरी इंसान को भी कोई दिक्कत नहीं आती। जब हफ्ते 10 दिन आप ये अनुलोम विलोम करते रहें, तो उसके बाद ध्यान रखो आप फिर 15 दिन और 15 दिन अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान लगाएं। आप ब्रीदिंग के ऊपर, अपने ब्रेथ के ऊपर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का मतलब है ब्रेथ के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। तो ध्यान योग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब हुआ अपनी पूरी चेतना केंद्रित करनी अपनी श्वास के ऊपर, अपने ब्रेथ के ऊपर। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, वो किस तरीके से करनी है कि आपको जैसे ही श्वास लेते हैं, और श्वास जब लेना आपने ध्यान रखो, जब ये स्टार्ट करनी है, कोई भी आप प्राणायाम हो या कोई भी आप ध्यान की एक्सरसाइज यदि जब भी आप स्टार्ट करें, तो ये ध्यान रखिए आपका जो मेरुदंड है, आपका जो स्पाइन है, ये एकदम ये स्ट्रेट हो, और जो आपका हेड है ये आपकी स्पाइन से एकदम अलाइंड हो, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट हो ऐसे करके। और फिर जब आप ध्यान लगाएं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब आप स्टार्ट करेंगे ब्रेथ के ऊपर ध्यान लगाएंगे अपने श्वास के ऊपर, तो हिलना डुलना नहीं है। हिलने डुलने से क्या होता है, विचार बहुत जल्दी वापस आते हैं, आपको बाहर की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम बहुत बाहरमुखी रह चुके हैं, अंतर्मुखी नहीं होते। तो हिलने से क्या होता है, फिर से आपकी अवेयरनेस बाहर चली जाती है। तो आप कोशिश करें हिले ना, और लंबा श्वास लें, लेकिन धीरे धीरे लें, और इतना धीरे धीरे लें कि सामने वाले अगर कोई हो, आसपास हो, या आपको भी इवन उसकी आवाज़ कम से कम आए, और ना आए तो बहुत ही अच्छा है। और धीरे से लंबा लंबा श्वास लेना, और जैसे जैसे आपको श्वास लेना है, और ये ध्यान रखना बिल्कुल इरेक्ट होके बैठना, कोई भी सहारा नहीं लेना, कोई टेक नहीं लगानी, नहीं तो अगर हम पीछे सहारा लेते हैं ऐसे करके बैठ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो बेसिकली हमें आराम मिल जाता है और फिर नींद आ जाती है। आलस सबसे पहले आपको ध्यान रखिए आएगा जब भी आप ध्यान योग करेंगे।
तो फिर धीरे धीरे जैसे ही आप लंबा सा श्वास लेंगे, आपको अपनी चेतना इस चीज़ के ऊपर केंद्रित करनी है, अपना फोकस माइंड का इस चीज़ के ऊपर केंद्रित करना है कि आप जो सांस ले रहे हैं धीरे 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 वो नासिका से ली, बाई नासिका तेज चल रही है कि दाई नासिका तेज चल रही है। यदि बाई नासिका तेज चल रही है तो अवेयरनेस में उस पर ध्यान लगाना है, यदि दाई नासिका तेज चल रही है तो उस पर भी आपको उसी तरीके से ध्यान लगाना है। तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि बाई नासिका से तेज श्वास आ रहा है या दाई से तेज आ रहा है। और कई बार दोनों समांतर भी चलती हैं लेकिन बहुत कम टाइम के लिए दिन में ऐसा होता है। और जैसे जैसे आप श्वास लेते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी ये आपकी जो हवा है, वायु है, वो आपकी नासिका से होते होते आपके विंड पाइप में यानी कि श्वास नली में आ गई है और धीरे 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 वो आपके फेफड़ों में उतरती जा रही है। आपको जैसे जैसे श्वास, जैसे जैसे वायु अंदर जा रही है उसके साथ साथ खुद जाना है उसके ऊपर फोकस करते हुए, और फिर फेफड़ों में भी फील करना है किसमें हवा थोड़ी ज़्यादा है किसमें कम है और हवा किस तरीके से फील हो रही है आपको फेफड़ों में, पूरा भर लेना उसको और धीरे 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 ऐसी श्वास नली से होते 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 बाहर जा रही है और नासिका से वो बाहर चली गई। तो ये आपको 15 दिन और करना है। देखिए जो पिछले जन्म जानने का जो बेसिकली टेक्निक है, जो प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक इवॉल्व होने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये आप 1 से 1.5 महीने अगर ये एक्सरसाइजेस करते हैं, खासकर ब्रेथ की जब करते हैं, इस पर जब आपको लगे कि अब मेरा अच्छे से कमांड हो गया, मेरा मन भाग नहीं रहा, मेरा पूरा ध्यान मेरे श्वास पे रहता है, तो जब ये 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाए तो उसके बाद आपको इसी तरीके से स्ट्रेट होकर बैठना है, आपका मेरुदंड, आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगा, हेड इरेक्ट रहेगा और आँखें बंद कर लेनी है और हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल भी। और फिर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हम योग विद्या में किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी रहस्य को, तो वहाँ पर इंटेंशन का रोल सबसे ज़्यादा होता है, मंशा जानने की इंटेंशन, आपको इंटेंट देनी है कि हाँ मुझे ये चीज़ जाननी है। तो आपको क्या करना है, आपको इंटेंशन देनी है कि मुझे अब अपना पिछला जन्म की ग्लिम्पसेस चाहिए, मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में जानना है। और जैसे ही इंटेंशन देंगे बारे में, इंटेंशन देने के बाद चुप करके बैठ जाना, एज एन ऑब्जर्वर, एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, साक्षी भाव से बैठ जाना है, अपने चेतन मन को बंद रखना है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर चुके होंगे इतने दिन पहले, तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड पे, यानी चेतन मन जो बार बार इंटरफेयर करता है हम बीच में आगे, तो उस पर वो काबू आ जाएगा, वो चुप करके बैठ जाएगा, उसको चुप करके बैठा देना है और एज एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या ग्लिम्सेज आ रही हैं, क्या विजन्स आ रही हैं, क्या दृश्य दिख रहे हैं। और जैसे ही वो आप देखोगे ग्लिम्सेस आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, क्योंकि आपका कमांड नहीं है उनके ऊपर। और जैसे ही अगर एक बार ग्लिम्स आए, कोई भी विजन आए, कोई भी दृश्य, उसको छोड़ना नहीं है, उस पर अपना फोकस कर देना कि आगे और क्या दिख रहा है। तो जैसे ही आप जानने की इंटेंशन प्लस ऑब्जर्वर बन के, कॉन्शियस माइंड को बंद करके, ऑब्जर्वर बंद करके उस पर अपने माइंड को फोकस करेंगे, तो आपको पिछले जन्म के दृश्य दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई ना कोई आपको कुछ कहानी भी समझ आएगी, अपने बारे में समझ आएगा कि मैं इस तरीके से था, आज जो मेरा ये स्वभाव है इसका कोरिलेशन क्यों है, पिछले जन्म से क्या कैसा था मैं जो आज मैं इस तरीके से इस जन्म में पैदा हुआ हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव हुआ है। तो बेसिकली जो नेचर होती है, स्वभाव होती है, जो प्रवृत्ति होती है जीव की, वो भी कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे खाली ये तो पूर्व जन्म के जानने की बात होगी, आप इससे कुछ भी चीज़ें जान सकते हैं और कुदरत के काफ़ी रहस्य जान सकते हैं। और कई लोग जैसे मुझसे सवाल करते हैं कि कई लोग कहीं इसको गलत चीज़ के लिए यूज़ तो नहीं कर लेंगे, इसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं आते। देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आप इस प्रोसेस से जाएंगे, जो मैंने आपको शुरू की एक्सरसाइजेस बताई हैं, तो कुदरत आपको प्यूरीफाई कर चुकी होगी, आपको एक प्यूरीफिकेशन के प्रोसेस से जाना होता है तभी आप ये चीज़ें जान पाते हैं, अदरवाइज़ कोई और कोई शॉर्टकट नहीं होता है इसके अंदर। तो नेचर को जब आप लगेगी आप इस काबिल बन गए, आप डिजर्विंग कैंडिडेट बन गए हैं इन चीज़ों के लिए, पिछला जन्म जानने के लिए, तो वो अपने रहस्य अपने आप खोल देती है, साथ में वो भी हेल्प करती है आपको। तो ये एक मैं एक तरीके से आपको टेक्निक, एक प्रोसेस बताया, जो आप अगर फॉलो करें तो आप अपने पिछले जन्मों के बारे में ज़रूर जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाले टाइम में हम जो भी वीडियोज़ बनाएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहें। नमस्कार।